बच्चों अब हम आ गए हैं इफ़ एल्स इफ़ के ऊपर। अगर आपको याद हो तो हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अपनी फाइल में ऐड करते थे C++ के काम में। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करते थे, और मैंने आपको बताया था कि ये दो हेडर फाइल्स हैं जिनका ऐड होना ज़रूरी है, iostream.h और conio.h। ये आपके हर प्रोग्राम में ऐड होने चाहिए, आपने कोई भी प्रोग्राम इनके बगैर नहीं बनाना। iostream.h जो है वो cout और cin के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, और conio.h हमें ज़रूरी चाहिए है गेट करेक्टर के लिए। वही तरीका है, पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड किए, फिर मेन का फंक्शन स्टार्ट किया। बच्चों मेन का फंक्शन C++ के हर प्रोग्राम में होता है, सी का कोई भी प्रोग्राम मेन के फंक्शन के बगैर इनकम्प्लीट है। मेन पैरेंथेसिस स्टार्ट क्लोज, फिर डिलीमिटर आता है, और डिलीमिटर जहाँ क्लोज होता है उससे पहले हम लिखते थे गेट करेक्टर। और आपको याद होगा कि मैंने गेट करेक्टर का फंक्शन क्यों ऐड करवाया था। मैंने यह फंक्शन इसलिए ऐड करवाया था क्योंकि इसकी वजह से हमारी आउटपुट स्क्रीन हमें आउटपुट दिखाने के लिए ठहरी रहती है, रुकी रहती है। असल में गेट करेक्टर का फंक्शन किस काम के लिए यूज़ होता है, यूज़र से करेक्टर की इनपुट लेने के लिए। तो वो एज्यूम कर रहा होता है कि यूज़र कोई करेक्टर इनपुट करेगा, उसी अजम्पशन जो उसकी है उसी अजम्पशन के चक्कर में वो रुका रहता है, लेकिन उसको करेक्टर तो कोई नहीं मिलता, लेकिन हम अपनी आउटपुट जो है वो देख लेते हैं। इफ़ एल्स इफ किस तरह वर्क करता है ये हम पढ़ते हैं। हमने एक इंटीजर ले लिया, उसका नाम नम है। हमने लिखवाया आउटपुट स्क्रीन पर एंटर अ नंबर। जब यूज़र ने नंबर एंटर किया तो वो नम वेरिएबल जो हमने लिया था उसके अंदर स्टोर हो गया। आई होप कि आप सब लोग सी इन से वाकिफ़ हो गए होंगे। क्लास अगर आप लोग सी इन से वाकिफ़ नहीं हुए, आपको सी इन की सही तरह समझ अभी तक नहीं आई, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं, हम सी इन पर दोबारा को एक लेक्चर रख सकते हैं। अगर मोस्टली क्लास को समझ है, कुछ बच्चों को समझ नहीं है, तो वो मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समझने का यही तरीका है, कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन, और कोई तरीका नहीं है, हमें इसी तरह अपने सब्जेक्ट को समझना है। तो सी इन और ये जो साइन उल्टा हो जाता है एंगल ब्रैकेट्स का, और नम का वेरिएबल लिखा आता है, इससे क्या होगा कि हम आउटपुट स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन पर जो भी इनपुट करेंगे डिजिट वो नम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर लिखा है इफ़ नम बड़ा है 0 से, अगर नम 0 से बड़ा है तो आउटपुट स्क्रीन पर लिख दो नंबर इज़ पॉजिटिव। ये प्रोग्राम जो है ये चेक करता है कि आपने जो नंबर एंटर किया है, डिजिट एंटर किया है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वो ज़ीरो है। नंबर तीन ही तरह का हो सकता है, या वो पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा, या वो ज़ीरो होगा। अगर वो ज़ीरो से बड़ा है, 2 या 3 या 547 या 8352, कुछ भी कोई भी डिजिट बड़ा या छोटा, अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव में आता है, या फिर वो ज़ीरो आपने एंटर कर दिया है, या फिर आपने ज़ीरो से कम कुछ एंटर किया है, -3 -5, यही ऑप्शंस हैं इंटीजर के लिए। सबसे पहले उसने कहा कि अगर जो एंटर किया गया नंबर है वो ज़ीरो से बड़ा है तो लिख दो नंबर इज़ पॉजिटिव। फिर आया एल्स इफ़ वहाँ आता है जहाँ पे हमारे पास कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम बार बार एल्स इफ़ लिख सकते हैं। एल्स इफ़ का मतलब वही है जो इंग्लिश में इसे बोलने में समझ आता है कि अगर ये नहीं, एल्स नहीं तो फिर, अगर ये नहीं तो फिर ये। बच्चों इफ़ के बाद, पहले इफ़ के बाद एल्स इफ़ बहुत दफ़ा आ सकता है, 100 दफ़ा भी आ सकता है। इफ़ एल्स इफ़ का जो प्रोग्राम है उसमें लास्ट में एक सिंगल एल्स होता है। उसका एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये सब नहीं तो फिर ये। इफ़ एल्स इफ़ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में सिर्फ कोई एक कंडीशन ट्रू होती है और वही एग्जीक्यूट होती है, एक से ज़्यादा ट्रू नहीं होती। हमने यहाँ पर ये भी सी आउट करवाया हुआ है, ये भी सी आउट करवाया हुआ है, और ये भी सी आउट करवाया हुआ है। इन तीनों केसेस में से कोई एक केस एग्जीक्यूट होगा और बाकी सब कंपाइलर स्किप कर देगा। सबसे पहले उसने चेक किया जो भी नंबर आपने एंटर किया कि वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है। अगर वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो वो लिखवाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव।